spelling rules is I already told you that we will take one spelling rule daily. तो आज हम रूल नंबर टू को डिस्कस करेंगे. कैटेगरीज में अगर कोई भी एक्शन वर्ड का एंड होता है, यानी किसी भी वर्ब के एक्शन वर्ड होता है वर्ब, कोई भी वर्ब, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, तो मैं स्पीक वर्ब है, एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है. आप सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, तो वर्ब है. आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है. हम खाना खाते हैं, ईट, दौड़ते हैं, रन. तो ऐसे कोई भी एक्शन वर्ड्स अगर हमारे पास हैं और अगर उस एक्शन वर्ड का एंडिंग दो लेटर्स या एक लेटर, चाहे उसमें एस एच हो, अगर उसके एंडिंग में एस एच है, सी एच है, एस एस है, एक्स है या जेड है, इन पांच कैटेगरीज में कुछ भी है, अगर आपके वर्ब में, आपके एक्शन वर्ड में एंडिंग दो लेटर्स में एस एच है, सी एच है, एस एस है, एक्स है या जेड है, तो क्या होगा? एंड ई एस इज एडेड टू मेक द प्रेजेंट टेंस. तो हम क्या करेंगे? ई एस एड करेंगे. तो हम क्या करेंगे उस वर्ब के लिए? हम एस, सिंपल एस एड नहीं करेंगे, ई एस एड करेंगे. ये एस, सबसे पहले ये भी समझना है कि एस कहां एड होता है. जब भी हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब लगाते हैं, जैसे ही के साथ अगर ही वर्क गलत सेंटेंस है, हम क्या लिखेंगे? ही वर्क्स. ही रीड नहीं लिखते हम, ही रीड्स लिखते हैं. शी राइट नहीं लिखते हम, शी राइट्स लिखते हैं. इट रेन नहीं लिखते हम, इट रेन्स लिखते हैं, ठीक है. तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब को यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं वहां पर, ठीक है. तो लेकिन अगर हमारे पास एंडिंग दो लेटर्स वर्ब के एस एच है, सी एच है, एस एस, एक्स आर, जेड है, तो फिर हम राइट की जैसा, जैसे हम राइट्स लिखते हैं, रीड को जैसे एस लगा के रीड्स बनाते हैं, जैसे हम ईट को ईट्स बनाते हैं, लेकिन अगर हमारा एंडिंग वर्ड एस एस एच, सी एच, एस एस, एक्स या जेड है, तो हम क्या लगाएंगे? ई एस. क्या लगाएंगे? ई एस. जैसे क्रॉस, किसी भी चीज को क्रॉस करना, तो जब हम ही के साथ लगाएंगे क्रॉस, क्या लगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रॉस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? क्रॉसेस. राम क्रॉसेस, सीता, गीता, गीता क्रॉसेस, गीता क्रॉस, एस नहीं लगाएंगे, क्रॉसेस नहीं लगाएंगे, क्रॉसेस. जैसे कैच, तो क्या लिखेंगे? प्लेयर कैचेस द बॉल, कैचेस लिखेंगे, सी ए टी एच, सी एच ई एस लगाएंगे, ना कि एस लगाएंगे, ठीक है. जैसे हम ई ए टी, तो क्या लगाते हैं इसके साथ? एस. अगर हम ही लिखेंगे, ही ईट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ही ईट्स. लेकिन अगर हमारे पास ही कैच आएगा, ही कैच वाली सिचुएशन आएगी, तो क्या लिखेंगे? ही कैचेस, प्लेयर कैचेस. अगर हमारे पास वर्ड है वैक्स, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वैक्सेस. रिलैक्स है तो रिलैक्सेस. फिश है तो फिशेस. देखिए यहां पे आता है, ठीक है. रीच है तो रीचेस, राइट. तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे मेरी बात. मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल से सिंपल मैं आपको बता पाऊं. तो यहां पर फिश जो है वर्ब के तौर पे यूज हुआ, ना कि वो नाउन, आप समझे इसको, ठीक है. सीक इनडायरेक्टली जो इसका मीनिंग है, यहां पर एज अ वर्ब हमने इस फिश को रखा है, फिश, फिशेस, ना कि ये नाउन की जगह है, वो मछली नहीं है, लेकिन ये फिश है, वर्ब है. उसी तरीके से कुछ और वर्ब्स जो है, कुछ और एक्शन वर्ड्स जो हैं, हमने यहाँ पे ऐड किए हैं. तो आपके लिए क्या है, आपके लिए काम है कि आपको सॉर्ट आउट करना है, बज के साथ क्या लिखेंगे, वाज के साथ क्या लिखेंगे, पुश के साथ क्या लिखेंगे, टैक्स के साथ क्या आएगा, पास के साथ क्या आएगा, फिक्स के साथ क्या आएगा. और आप ये तो फिलअप करेंगे ही करेंगे, ये वाला, ठीक है, कि आपने इसका जो एक्शन वर्ड है
इसको ES लगाना है, कहां पर लगेगा कहां पर नहीं लगेगा, आपने सॉर्ट आउट करने हैं क्या इसके अलावा कोई कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिनके साथ ES ऐड हो सकता है, तो वो भी आप ऐड कर देंगे अपने कुछ वर्ड्स नए। और आप कुछ अगर आप कैपेबल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दें कि आपने कौन कौन से नए वर्ड्स निकाले हैं। सो थैंक यू, दिस वाज रूल नंबर 2 फॉर